नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैंची तो सभी के घरों में रहती है, लेकिन इसकी धार जब खत्म हो जाती है तो हमें धार कराना पड़ता है। लेकिन मैं अपने कैंची की धार को घर में ही कर लेती हूँ। और बहुत ही आसान सा टिप्स है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा इस टिप्स को। तो ये रखिए, देखिए ये नीडल्स तो सबके घर में ही रहता ही है, जिसे सुई भी कहते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे हम कपड़े को काटते हैं, इस तरह से सुई को ऐसे आप काटिएगा। देखिए इस तरह से आपको करना है। 10 से 15 मिनट तक आप इसे करेंगे तो आपकी कैंची की धार एकदम बढ़िया सा हो जाएगी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और फिर ये एक नीडल्स हो गया, या फिर जैसे ये कांच की बॉटल, कोई सा भी आप बॉटल ले लीजिएगा। तो मैं नेल पॉलिश का बॉटल ली हूँ, तो कांच की बॉटल होनी चाहिए। और इसे भी आप इस तरह से आपको करना है। देखिए ऐसे इस तरह से करेंगे तो ये ऐसी बढ़िया सा धार हो जाता है। तो मैं अपने यहाँ की कैंची को कभी भी धार करवाती नहीं हूँ, घर में ही इसे मैं धार कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से बहुत बढ़िया से धार हो जाता है। देखिए ऐसे आप करेंगे। और आप कैंची में तेल लगा के रखिएगा, जो मशीन ऑयल होती है उसे लगा के रखिएगा। और जैसे आपके पास मशीन ऑयल नहीं है तो आप इसमें सरसों का तेल भी लगा दीजिएगा, तो आपके कैंची को जंग भी नहीं पकड़ेगा और फिर बढ़िया सा रहेगा। जब जंग नहीं पकड़ेगा तो धार भी जल्दी खत्म नहीं होगा। और बहुत ही अच्छा वीडियो है, छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत काम के टिप्स है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप लोगों को मेरी टिप्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।